अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक गियर के हवाले से थोड़ी सी मैं आपसे डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखें, जो लोग ऑटोमेटिक गाड़ी ड्राइव करना सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो उनको मैं गियरों के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं, ये पी लिखा हुआ है। पी का मतलब होता है पार्किंग। जब भी आप कहीं गाड़ी पार्क करते हैं तो इस बटन को दबाकर आपने गियर को पी की तरफ ले जाना है, तो आपका गाड़ी आपकी गाड़ी पार्क मोड में आ जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें बीच में लिखा भी हुआ है वो देखें, नज़र आ रहा है आपको। पी का मतलब है पार्किंग। अगर मैंने गियर को फर्ज करें यहाँ से रिवर्स करना है गाड़ी को, तो बटन को दबाएंगे, आर पे लाएंगे, आर पे, ये देखें आर पे आ गया, आर मोड पे आ गया गियर, ये आपको नज़र। हाँ, अब मैं जैसे ही ब्रेक को छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। आर का मतलब होता है रिवर्स, एन का मतलब होता है न्यूट्रल, ये एन। न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर आप गाड़ी आपकी बंद हो गई है तो आप गाड़ी को धक्का लगाकर आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपने ड्राइव करनी है तो गियर को बटन दबाकर डी पे ले आएंगे, ये डी मोड पे आ गया, इसका मतलब है आप ड्राइव मोड पे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो ये जो एल होता है, इसका क्या मतलब है? एल, ये गियर किस लिए होता है? ये गियर इसलिए होता है, इसको लोडेड गियर कहते हैं। आप इसको नीचे करेंगे, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा। जब आप किसी पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो आप इस गियर का यूज करेंगे, तो जब आप ऐसे आम रोडों पे ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप सिर्फ डी पे ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।